ताज नगरी में विभिन्न क्षेत्रों में लेखपाल पर हो रहे मुकदमों को लेकर लेखपाल संघ ने आक्रोश जताया है। एक दिवसीय धरने पर सदर तहसील में बैठ गए हैं। आपको बता दें कि लगातार लेखपालों पर हो रहे मुकदमे से आक्रोशित लेखपाल कई दिनों से धरना दे रहे थे, वहीं आज लेखपालों ने सदर तहसील में भी धरना शुरू कर दिया। दरअसल कुसिमपुर खैरागढ़ तहसील में लेखपालों पर हुए मुकदमे के बाद लेखपाल आक्रोश हो चुके हैं, जिस कारण आज सदर तहसील में भी लेखपाल धरने पर बैठ गए। लेखपालों ने मांग की है कि लेखपालों पर लगे मुकदमों की जांच कर उन्हें जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। मैं देवेंद्र कुमार लेखपाल तहसील खैरागढ़ से, अपनी यूनियन का तहसील मंत्री हूँ। आज धरना प्रदर्शन चला है, क्या प्रमुख मांग है, क्या कुछ? हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे दो लेखपाल साथी हैं दीपक सक्सेना और लोकेंद्र चार, उनके खिलाफ थाना कागरोल में एक झूठी FIR दर्ज करा दी गई है। उसके लिए बिना परमिशन के करा दी गई और मामला तहसीलदार महोदय के न्यायालय का था। क्योंकि मामला न्यायालय का है तो परमिशन की आवश्यकता थी। परिचय जानना चाहूँगा पहले। महेश चंद यादव, तहसील अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, तहसील खैरागढ़। आज तहसील में किस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ है? हमारी तहसील खैरागढ़ में दो लेखपालों के विरुद्ध नियम विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई थाना कागरौल में। इसके संबंध में हमने अपने उच्चाधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा जाँच करते हैं, जाँच भी की गई उनके द्वारा। तो तहसीलदार कोर्ट का मामला था, FIR होनी नहीं चाहिए थी, कोर्ट के कर्मचारियों के खिलाफ होनी चाहिए थी। तो बाकी विभागीय कार्रवाई तो खत्म कर दी गई है, लेकिन जो FIR है उसको नियम में ले जा रहे हैं, उसको लंबा खींचना चाह रहे हैं, उसको अभी तक वापस नहीं लिया गया है। तो हमारा 17 तारीख से धरना तहसील खैरागढ़ में चल रहा था, जो आज जिले पर आ गया। जिले की 6 तहसीलें जिसमें शामिल हैं, और जब तक FIR वापस नहीं हो जाती है तब तक हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा, यही हमारी मांग है।